शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। ऐ पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुसलमानों से कह दो कि जब तुम औरतों को तलाक देने लगो तो उनकी इद्दत के शुरू में तलाक दो और इद्दत का शुमार रखो, और खुदा से जो तुम्हारा परवरदिगार है डरो। ना तो तुम ही उनको अय्याम इद्दत में उनके घरों से निकालो और ना वो खुद ही निकलें। हाँ, अगर वो सरीह बेहयाई करें तो निकाल देना चाहिए, और ये खुदा की हदें हैं। जो खुदा की हदों से तजावुज करेगा वो अपने आप पर जुल्म करेगा। ऐ तलाक देने वाले, तुझे क्या मालूम, शायद खुदा उसके बाद कोई रजअत की सबील पैदा कर दे। फिर जब वो अपनी मियाद यानी इनकज़ाए इद्दत के करीब पहुंच जाएं, तो या तो उनको अच्छी तरह से ज़ौजियत में रहने दो या अच्छी तरह से अलहदा कर दो, और अपने में से दो मुनसिफ मर्दों को गवाह कर लो, और गवाहो खुदा के लिए दुरुस्त गवाही देना। इन बातों से उस शख्स को नसीहत की जाती है जो खुदा पर और रोजे आखिरत पर ईमान रखता है, और जो कोई खुदा से डरेगा वो उसके लिए रंज महन से मुखलसी की सूरत पैदा कर देगा, और उसको ऐसी जगह से रिज्क देगा जहां से वहम गुमान भी ना हो, और जो खुदा पर भरोसा रखेगा तो वो उसको किफायत करेगा। खुदा अपने काम को जो वो करना चाहता है पूरा कर देता है। खुदा ने हर चीज का अंदाजा मुकर्रर कर रखा है। और तुम्हारी मुतल्लका औरतें जो हैज से नाउम्मीद हो चुकी हों, अगर तुमको उनकी इद्दत के बारे में शुबा हो तो उनकी इद्दत 3 महीने है, और जिनको अभी हैज नहीं आने लगा उनकी इद्दत भी यही है, और हमल वाली औरतों की इद्दत वजाए हमल यानी बच्चा जनने तक है, और जो खुदा से डरेगा खुदा उसके काम में सहूलत पैदा कर देगा। ये खुदा के हुक्म हैं जो खुदा ने तुम पर नाजिल किए हैं, और जो खुदा से डरेगा वो उससे उसके गुनाह दूर कर देगा और उसे अजरे अजीम बख्शेगा। मुतल्लका औरतों को अय्याम इद्दत में अपने मकदूर के मुताबिक वहीं रखो जहां खुद रहते हो, और उनको तंग करने के लिए तकलीफ न दो, और अगर हमल से हो तो बच्चा जन्ने तक उनका खर्च देते रहो। फिर अगर वो बच्चे को तुम्हारे कहने से दूध पिलाएं तो उनको उनकी उजरत दो, और बच्चे के बारे में पसंदीदा तरीक से मुआफिकत रखो, और अगर बाहम जिद और ना इत्तफाकी करोगे तो बच्चे को उसके बाप के कहने से कोई और औरत दूध पिलाएगी। साहिब वुसत को अपनी वुसत के मुताबिक खर्च करना चाहिए, और जिसके रिस्क में तंगी हो वो जितना खुदा ने उसको दिया है उसके मुआफिक खर्च करे। खुदा किसी को तकलीफ नहीं देता मगर उसी के मुताबिक जो उसको दिया है, और खुदा अनकरीब तंगी के बाद कशाइश बख्शेगा। और बहुत सी बस्तियों के रहने वालों ने अपने परवरदिगार और उसके पैगंबरों के आहकाम से सरकशी की तो हमने उनको सख्त हिसाब में पकड़ लिया, और उन पर ऐसा अजाब नाजिल किया जो न देखा था न सुना। सो उन्होंने अपने कामों की सजा का मजा चख लिया, और उनका अंजाम नुकसान ही तो था। खुदा ने उनके लिए सख्त अजाब तैयार कर रखा है। तो ऐ अरबाब दानिश, जो ईमान लाए हो खुदा से डरो। खुदा ने तुम्हारे पास नसीहत की किताब भेजी है, और अपने पैगंबर भी भेजे हैं जो तुम्हारे सामने खुदा की वाज़े उल मुतालिब आयतें पढ़ते हैं, ताकि जो लोग ईमान लाए और अमल नेक करते रहे हैं उनको अंधेरे से निकालकर रोशनी में ले आएं, और जो शख्स ईमान लाएगा और अमल नेक करेगा उनको बाग़हाए बहिश्त में दाखिल करेगा, जिनके नीचे नहरें बह रही हैं, अबदुल आबाद उनमें रहेंगे। खुदा ने उनको खूब रिज्क दिया है। खुदा ही तो है जिसने 7 आसमान पैदा किए और वैसी ही जमीनें, उनमें खुदा के हुक्म उतरते रहते हैं, ताकि तुम लोग जान लो कि खुदा हर चीज पर कादिर है, और ये कि खुदा अपने इल्म से हर चीज पर इहाता किए हुए है।